आप उठे, ऑडियंस के सामने जाकर बोल दें तो आप एक विनर हैं। चाहे आपके घुटने डर से कांप रहे हों, आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने डर का सामना किया तो आप जीत गए। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट टीम से किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 90% लोगों के दिमाग में सिर्फ एक नाम आएगा, वह है विराट कोहली। भले ही विराट कोहली फॉर्म में हो या फिर आउट ऑफ फॉर्म में, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप भी अपने आप को विराट कोहली जैसा एटीट्यूड पा सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल आप यह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर एटीट्यूड होता क्या है। वॉट इज़ एटीट्यूड? कोई ईगो, घमंड या किसी से बात नहीं करना एटीट्यूड है? नहीं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के राइटर लिखते हैं कि एटीट्यूड दुनिया को देखने का नज़रिया है, एक मनोभाव, एक रवैया है, या यूँ कहें कि एटीट्यूड हमारे दिमाग की वो खिड़की है जिसे हम इस दुनिया को देखते हैं। जब भी हम किसी वस्तु या परिस्थिति को देखते हैं तो उस समय आने वाले विचार अपने एटीट्यूड पर निर्भर करते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मैं आपको एक गिलास दिखाता हूँ जिसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ परिस्थिति एक ही है कि गिलास में पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गिलास में पानी कितना भरा हुआ है, तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, बल्कि कुछ लोग सोचेंगे कि गिलास आधा खाली है। यहीं अगर हम इन दोनों बातों पर देखें तो एक चीज़ पॉजिटिव है कि गिलास भरा हुआ है भले ही आधा हो, वहीं दूसरी ओर देखेंगे गिलास खाली है, आधा है। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव विचार को अंकित करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा कंसंट्रेट करते हैं सॉल्यूशंस पे, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, यानी संभावना देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। वही नेगेटिव लोग हमेशा ना कहने की आदत रखते हैं, दूसरों में फॉल्ट निकालना, लिमिटेशंस पे बात करना, तो यानी उनका पूरा जीवन एक नेगेटिव एटीट्यूड में गुजरता है, उनसे कोई बात करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में हम आज समझेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। वेल, ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड बचपन से ही नेगेटिव रहता है। बचपन में हम लोग गिरते थे, उठते थे, साइकिल से गिरते थे फिर उठते थे, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता था। लेकिन समय के साथ साथ पेरेंट्स की डांट सुनकर, समाज की बुराइयों से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता चलता है, और इसी नेगेटिविटी को आज इस वीडियो के माध्यम से हमें निकालना है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के राइटर लिखते हैं कि मानव एक चुंबक की तरह है, वो जो सोचता है वही बनता है, और सोच अपने एटीट्यूड पर निर्भर करती है, क्योंकि एटीट्यूड से विचार आते हैं, विचार से अपनी सोच बनती है, सोच से हम कर्म करते हैं अपने जो काम है, और उन कर्म से हमारा जो रिजल्ट है वो बन के आता है, यानी हमने परिणाम निकल के आते हैं। अब बात करते हैं कि अपना एटीट्यूड चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, और अब क्या आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप 5 मिनट थोड़ा सोच के दीजिए। अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो सब कुछ ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसका आंसर नो है, यानी आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, या फिर अगर लक्ष्य है भी तो उस लक्ष्य के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो फ्रेंकली मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने उद्देश्य के प्रति कमिटेड नहीं है, और आप बीच में ही कहीं रास्ते में भटक जाओगे। यानी आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना नहीं रह सकता, क्योंकि आप अगर आपके उद्देश्य सही नहीं है, आपके उद्देश्य पे आप कमिटेड नहीं हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिल से यानी अंदर की आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी आपको दिल से करना होगा, जो भी करो, जो भी पाना चाहते हो वो आपको अपने दिल से करना होगा, तभी आपका एटीट्यूड और आपका लक्ष्य हमेशा तत्पर रहेंगे पाने के लिए, और हमेशा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि वाकई ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आप सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार हो। दिनों तक, महीनों तक और सालों तक आप उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर सकते हो, यानी वही आपका अल्टीमेट गोल हो। तो अगर आपने वो गोल आपने चूज कर लिया तो मानो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, और आप उस गोल के लिए हमेशा कमिटेड रहोगे, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। और इसमें एक चीज़ है कि रिपीटेशन इज द की।
यानी आप खुद की मूवी बनाओ, दिन में सपने देखो, उसी को लिखो बार बार कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, बनूँगा, और आप असल में वो बन जाओगे। दूसरी बात आती है कि टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अपने जो प्रॉब्लम है उनको अपॉर्चुनिटी बदलो, अपनी कमजोरियों को अवसरों में बदलो। जब भी कोई परेशानी आती है तो ये मत सोचो कि ये परेशानी मेरे साथ ही क्यों आती है। क्या पता वास्तव में वो परेशानी आपके साथ बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी जो कमजोरी है उसको आपसे दूर करना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आप उस जैसे ऐसी प्रॉब्लम को बाद में फेस ना करें, इसलिए आपको शायद वो प्रॉब्लम बार बार आ रही है। इसी तरह जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हमेशा अवसर में बदलो, और जो कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो कि वो अपने फ्यूचर में दोबारा वो प्रॉब्लम्स ना आए। अपनी ज़िंदगी को हमेशा पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है वो हमेशा बढ़िया है। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप इस समय दो आंसर दे सकते हैं, एक नेगेटिव कि मैं थका हुआ हूँ, बस मत पूछो यार, सब कुछ मेरे साथ ही होना है। दूसरा पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं कि ग्रेट, फैंटास्टिक, मेरी ज़िंदगी एक्सीलेंट चल रही है इस समय, मेरा टाइम इस समय ग्रेट है। पॉजिटिव जवाब वाले के साथ हर कोई बात करना चाहेगा, दुनिया बात करना चाहेगी, लेकिन नेगेटिव सोच वाले के साथ, नेगेटिव आंसर वाले के साथ कोई बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि साला ये तो बोरिंग आदमी है। मेरा यकीन मानिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें किसी लाजवाब टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना किसी अच्छे लुक की ज़रूरत है, फिर भी तुम्हारे पास एक पॉजिटिव, एक ग्रेट एटीट्यूड हो सकता है विराट कोहली की तरह। आपको बस एक अच्छी आदत की ज़रूरत है जो तुम अपने ऊर्जा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स से पा सकते हो। स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद करो, क्योंकि संसार में कोई तुम्हारे दुख दर्द सुनना नहीं चाहेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच का स्रोत बनो, क्योंकि शिकायत आपके खिलाफ तीन तरीकों से काम करती है। मान लो आपको कोई बीमारी है तो इस नेगेटिव न्यूज़ को सोचना कोई पसंद नहीं करेगा। शिकायत हमेशा तुम्हारे घाव को ताज़ा करेगी और तुम्हें डिस्कम्फर्ट करेगी, इसलिए क्योंकि अपनी पेनफुल नेगेटिव मेमोरीज को याद करना बंद करो। तीसरी, 90% लोग आपकी इलनेस एंड अनहैप्पीनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फालतू अपना टाइम वेस्ट करते हैं इसे बताकर। वैसे भी गॉड हेल्प्स दोज हु एक्ट, भगवान उन्हीं को, उन्हीं की सहायता करता है जो कर्म करते हैं। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, आपको इस दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हमेशा अच्छे और सकारात्मक दोस्त बनाइए, क्योंकि एक मिरर सिर्फ आपका बाहरी हिस्सा दिखाता है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्किल आपका चरित्र और सोच दोनों तय करता है। वैसे हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे दोस्त बनाओ। वेल, आपको ख़त्म करता है आपका कंफर्ट जोन, आपके आने वाले सवाल जैसे क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त या रिश्तेदार क्या कहेंगे, कैरियर चेंज करने का डर, नई स्किल सीखने का डर, ये डर आपको ख़त्म करने होंगे, जैसे लोगों के सामने बोलने का डर। वेल, सबसे कॉमन डर जो मैक्सिमम लोगों में रहता है वो है स्टेज पर जाकर बोलने का डर। आपको आपके लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ना होगा, भले ही आप डर रहे हैं फिर भी आगे बढ़ना होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको पब्लिक के सामने जाकर बोलने से डर लगता है, क्योंकि ये सब आपके कम्फर्ट जोन से बाहर है, लेकिन कैसे तैसे आपने हिम्मत की, आप उठे, ऑडियंस के सामने जाकर बोल रहे, तो आप एक विनर हैं। चाहे आपके घुटने डर से कांप रहे हों, आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने डर का सामना किया तो आप जीत गए। आपके पहले प्रयास में आप दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स में एक नहीं बन पाए तो क्या हुआ, आपने चुनौती स्वीकार की, यह बड़ी बात है। एक बार तो सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में क्रिकेट के भगवान नहीं बन गए थे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के राइटर जेब केलर लिखते हैं, द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम द फ्राइजन ऑफ फियर इज एक्शन, यानी आप अपने डर को केवल इसके खिलाफ एक्शन लेकर ही हरा सकते हैं। गेट आउट देयर एंड फेल, हेनरी फोर्ड कहते हैं कि हारना ही एक ऐसा उपाय है जो हमें इंटेलिजेंटली दोबारा स्टार्ट करने का अवसर देता है, और इसे हम थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया उनसे सीख सकते हैं, जिन्होंने बार बार हजार बार रिपीट करते हुए एक बल्ब का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सो गाइज, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य नहीं बल्कि
थॉट प्रोसेस चेंज करनी होगी, अलग तरीके से सोचना होगा। इसी तरह राइटर ने लिखा है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड से ही अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा, और क्योंकि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वाकई आपको अपने जीवन में एक बदलाव की आवश्यकता है और आपको वो बदलाव जरूर मिलेगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले कुछ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।